हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स एंड आई एम योर होस्ट आकाश। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ऐसे कई बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने ही जन्मदिन पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस देकर, एक अच्छी पारी खेलकर खुद को ही बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज माइकल हसी का जन्मदिन 27 मई को होता है और उन्होंने 2012 में अपने जन्मदिन को आतिशी पारी खेलकर काफ़ी यादगार बना दिया। केकेआर के खिलाफ आईपीएल 2012 के फाइनल मुकाबले में माइकल हसी ने 43 बॉल्स पर 54 रन्स की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे और 2 छक्के लगाए थे। हालांकि हसी के लिए ये मैच व्यक्तिगत तौर पर खास रहा था, लेकिन उनकी टीम जो है फाइनल में केकेआर के खिलाफ हार गई थी। दूसरे आते हैं केएल राहुल। कल 18 अप्रैल 2021 को पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच में बर्थडे बॉय केएल राहुल ने ओपनिंग करते हुए 51 बॉल्स पर 61 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके लगाए और 2 छक्के भी लगाए। केएल राहुल की पारी के बदौलत पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 20 ओवर में 195 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन पंजाब की लचर गेंदबाजी इतने बड़े टोटल को डिफेंड नहीं कर सकी और पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बाद राहुल की धीमी बल्लेबाजी भी आलोचना के निशाने पर जरूर रही थी। उनके साथ ओपनर मयंक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी, लेकिन राहुल काफी ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे। और दोस्तों, आखिर में आते हैं डेविड वॉर्नर। 27 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ओपनिंग करते हुए आतिशी पारी खेली थी। उन्होंने सिर्फ 34 बॉल्स पर 66 रन झड़ दिए थे। इस मैच में उन्होंने लगभग 8 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनकी इस पारी की बदौलत टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सामने 219 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने इनको चेस करते हुए मात्र 131 स्कोर ही बना पाए थे और 10 विकेट भी इनके जा चुके थे। इस तरह डेविड वॉर्नर आईपीएल में जन्मदिन के अवसर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।